ये कहानी एक बाप की है जिसने अपनी ही बेटी के साथ साथ और भी लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किए। दोस्तों ये पूरी कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है, इसलिए इस कहानी को अपने दिल पर मत लीजिएगा। सो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसका नाम जोई होता है। वो बोलती है कि मेरी माँ ने बचपन में मुझे हेयर बैंड लगाना सिखाया था, लेकिन आज उसे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। अब दोस्तों हम देखते हैं जोई और उसके फादर को, जो कि एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। तो उसके फादर बार बार उसको फोर्स करता है इंटीमेट होने के लिए, जिसके बाद जोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। और यहाँ से मूवी पास्ट में चली जाती है। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जोई और उसके फादर एक कार से एक क्लब में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोई के जो फादर हैं वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उसकी एक बात से एग्री नहीं करती है तो वो उसके बाल खींचने लगता है। सो फाइनली ये लोग बार पहुंच जाते हैं और इनको बार में एक लड़की दिखती है जो कि अकेली होती है, जिसका नाम स्टेसी होता है। जोई उसके पास जाती है और अपने डैड को अपना फ्रेंड बोलकर उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये तीनों लोग निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए उसके बाद जॉन स्टेसी को अपने घर ले आता है और बोलता है कि वो अपनी आँख बंद कर ले, उसके लिए वो एक सरप्राइज़ देने वाला है। और उसको लेकर एक रूम में ले जाता है। जब 3 गिनने पर स्टेसी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है ये रूम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, भयानक चीज़ों से भरा होता है। यहाँ पर सारे टूल रखे होते हैं, चेन रखी होती है, लोगों को काटने वाले हथियार रखे होते हैं। तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर जॉन उसे बोलता है वेलकम टू हेल, नरक में आपका स्वागत है। जिसके बाद स्टेसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन वो उसे वहीं पकड़कर बेहोश कर देता है। और उसके बाद हम सामने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो देखते हैं जिसमें कि अब स्टेसी की भी फ़ोटो जुड़ चुकी है, मतलब वो भी अब इसका शिकार बन चुकी है। ये सब दोस्तों ये सब जोई बाहर से सुन रही होती है। वो स्टेसी को बचाना चाहती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वह ऐसा करेगी तो उसका डैड उसे भी मार देंगे। उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं, इसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है, तभी वो एक कार से लिफ्ट मांगती है। इस कार में होते हैं दोस्तों डेप्यूटी स्कॉट। अब ये दोनों टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जेनिफर कार में बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग फोटोज़ देखती है तो वो स्कॉट से पूछती है कि ये लोग कौन हैं और कैसे मिसिंग हुए। स्कॉट उनको बता और डेप्यूटी बताता है कि इस शहर में बहुत सारी लड़कियां मिसिंग होती जा रही हैं और वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जल्दी वो उस खूनी को पकड़ लेगा। अब हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जिसे जॉन ने बांध रखा है यहाँ पर जोई आती है और स्टेसी से बोलती है कि उसके स्टेप फादर यहाँ पर रुकेंगे नहीं, वो उसे और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे उसके साथ। के बाद जोई यहाँ पर एक फांसी का फंदा लटका देती है और जोई से बोलती है अगर वो उसके टॉर्चर से बचना चाहती है तो फांसी लगा कर आज़ाद हो सकती है। और ये सुनकर स्टेसी उस फांसी के फंदे पर लटक जाती है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। जब जॉन यहाँ पर आता है तो स्टेसी को लटका हुआ देखता है, वो समझ जाता है कि ये काम जोई का है। वो गुस्से में जोई के पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जोई उसे बोलती है कि स्टेसी बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी इसलिए उसने उसको आज़ाद कर दिया। अब जॉन बोलता है कि तुम्हें स्टेसी को अब ठिकाने लगाना पड़ेगा उसकी बॉडी को। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन जोई को एक कटर देता है और उसकी बॉडी को काटने के लिए बोलता है। यहाँ पर जोई ना चाहते हुए भी उसे उसको काटना पड़ता है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जिनके पास एक लेडी आती है, बोलते कि कुछ बच्चे उनकी विंडो तोड़ देते हैं लगातार तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद स्कॉट उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो बच्चे स्कॉट की कार भी पंचर कर देते हैं। अब स्कॉट अपनी कार ठीक करवाने के लिए जॉन के गैराज में जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात जोई और जॉन से होती है। तो जॉन उसकी कार को टो करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि जॉन पहले मरीन में था, उसकी पोस्टिंग इराक में हुई थी, अब वो रिटायर हो गया इसलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। स्कॉट भी उसे बताता है कि वो भी पहले इराक में था। तो यहाँ स्कॉट को जॉन पर थोड़ा सा शक होने लगता है। वो पुलिस स्टेशन में आकर अपने सीनियर से उसके बारे में पूछता है। वो बदका सीनियर उसे बताता है कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर लिया था लेकिन 2 साल बाद उसकी मौत हो गई और वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड जो कि जोई है उसके साथ रहता है। दोस्तों यहाँ पर सबको लगता है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड है लेकिन रियलिटी में वो उसकी स्टेप डॉटर होती है। और दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि एक ट्रैप लगा रहा होता है ताकि कोई अगर उसके घर पर उसको पकड़ने के लिए आए तो वो फंस जाए इस ट्रैप। यहाँ पर जोई उसके पास आती है और वो बोलता है कि आज से तुम्हें संभाल कर चलना होगा, इस ट्रैप में फंसना मत नहीं तो तुम अपने पैर गवा दोगी। और बोलता है कि खुश हो जाओ, आज हम फिर से पार्टी में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। तो ये दोनों पहुँच जाते हैं पार्टी करने के लिए, फिर से क्लब में अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जोई को जेनिफर दिखती है जो कि एक बारटेंडर होती है। उसके बाद जोई जेनिफर को फंसाने के लिए जाती है, उसे बात करने लगती है लेकिन वो देखती है जॉन ने एक और लड़की को फंसा लिया अपने साथ, उसके बातों में फंसा लिया उसको और उसको अपने साथ जाने के लिए भी मना लिया है। जिसके बाद इस लड़की का नाम एनी होता है। अब यहाँ पर जेनिफर इनको ड्रिंक देने के लिए आती है और जॉन उसे देखकर उसकी अदाओं पर फिदा हो जाता है, जिसके बाद वो उसे बातें करना चालू कर देता है। और अब ये लोग एनी को लेकर अपने घर जाते हैं उसकी पार्टी करने के लिए और हम सबको पता है कि किस तरह की पार्टी होने वाली है। तो
और यहाँ पर जॉन एनी के साथ भी वही करता है जो कि उसने स्टेसी के साथ किया था। वो उसे बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे एक चेम्बर में एक चेन में बांध देता है दोस्तों। और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। जॉन बोलता है कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम नर्क के दूसरे सर्कल में हो जहाँ पर हवस की सज़ा दी जाती है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि नर्क के 9 सर्कल होते हैं, जो लोग ज़्यादा हवस करते हैं, ज़्यादा लस्टफुल होते हैं, उन्हें सेकेंड सर्कल में भेजा जाता है उनकी सज़ा को भुगतने के लिए। वेल, अब जॉन उसे शॉक देता है, और ये सब जोई बाहर से दरवाजे से देख रही होती है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उसकी वजह से इन लड़कियों की जान जा रही है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कॉट जॉन की एक फोटो देखता है और उसे कुछ जानकारी मिलती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर नहीं हुआ था, उसे मरीन से निकाला गया था क्योंकि उसने कोई रूल तोड़ा था। उसके बाद उसने अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। ये सब वो अपनी चीफ की बेटी को बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि मरीन से निकलने के बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली थी जिसकी 11 साल की बेटी थी, और शादी के 2 साल बाद ही उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। तो ये लोग पता करने में लग जाते हैं कि उसकी 11 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, वो अभी कहां पर है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से जॉन को देखते हैं जो कि एनी को अलग अलग तरह की सज़ा दे रहा होता है। वो उसके गले में एक आयरन लॉक लगा देता है, जिस पर एनी बोलती है कि इससे अच्छा वो उसे मार दे जान से, लेकिन जॉन उसे और शॉक देने लगता है और बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। जोई ये सब बाहर से देख रही होती है, जिससे कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फटाफट अपने रूम में जाती है, वहाँ से लॉकर से गन लेकर जॉन के ऊपर तान देती है। यहाँ पर एनी सोचती कि उसकी जान अब बच जाएगी, लेकिन अगले पल ही जोई उस गन को एनी की तरफ घुमा देती है और बोलती है कि अपने मुँह को खोलो। एनी बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जोई से बोलती है कि तुम्हारे पास 10 सेकेंड है डिसाइड करने के लिए, या तो तुम इनका टॉर्चर सहो या तो अपने आप को मारकर शूट करके अपनी जान दे दो। उसके बाद जोई उस गन को एनी के मुंह में रख देती है और काउंट डाउन चालू कर देती है 10, 9, 8, 7, 6, लेकिन जैसे ही वो 6 पर पहुँचती है एनी खुद को शूट कर लेती है। अब स्कॉट, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब स्कॉट जोई के स्कूल भी पहुँच जाता है उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो जो 11 साल की लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि जोई है, जो कि अपना नाम बदल कर यहाँ पर जॉन के साथ रह रही है। उसके बाद जॉन और जोई एक शॉपिंग मॉल में होते हैं। यहाँ पर स्कॉट चुपके से जोई के पास आता है और बोलता है कि उसे उसके बारे में हर चीज़ पता है कि वो कौन है। जोई चाहे तो उसकी मदद ले सकती है और इन सब से आज़ाद हो सकती है, लेकिन जोई से बोलती है कि वो गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कि जॉन और जोई फिर से अपने अगले शिकार पर निकल जाते हैं। इस बार इनका शिकार कोई और नहीं बल्कि जेनिफर होती है। यहाँ पर दोस्तों जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है, लेकिन जोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो जेनिफर को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जेनिफर के साथ और बाकी सारी लड़कियों के साथ जो हुआ वो भी जेनिफर के साथ हो, लेकिन यहाँ पर जेनिफर उसकी बात को टाल देती है। अब जॉन उसको ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात होती है, हम देखते हैं कि अब स्कॉट भी इनकी कार का पीछा कर रहा होता है, तो ये लोग जेनिफर को उसी रूम में ले जाते हैं और सज़ा देना चालू कर देते हैं, उसे शॉक देने लगते हैं। और अब स्कॉट इनके घर के बाहर भी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर देता है। वो गलती से उस ट्रैप में फंस जाता है और उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जोई और जॉन बाहर आते हैं और जॉन उसे एक पंच मारकर वहीं बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि जेनिफर थोड़ा अपना दिमाग चलाती है, थोड़ा चलाकी करती है, वो अपनी हेयर पिन से अपने लॉक को खोल देती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से आज़ाद हो जाती है। जब जॉन स्कॉट को लेकर रूम में आता है तो वो देखता है कि जेनिफर वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है, और काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो उसे ढूंढ भी लेता है और उसे खींच कर घर में वापस ले आता है। अब जॉन और जेनिफर के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है, और हम देखते हैं कि इधर स्कॉट जोई को समझाने की कोशिश करता है कि जेनिफर की मदद उसे करनी चाहिए, उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई बसी हुई है। और उसके बाद जोई को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसके डैड गलत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, उसे अपने डैड से बदला लेना होगा। वो अपनी गन उठाती है और जॉन की तरफ तान देती है, बोलती है यू आर नॉट माई डैडी, जिसके बाद वो उसे कई गोलियां मारती हैं, जिससे कि अब जॉन नर्क के 9 सर्कल की सैर पर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी है। अब कुछ दिन बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर स्कॉट के पास चीफ की बेटी आती है और उसे वो 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो कि जोई होती है। यहाँ पर स्कॉट उसे बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, उसे झूठ बोलता है, वो नहीं चाहता कि जोई के बारे में और बाकी लोगों को पता चले, मतलब उसने उसे झूठ बोला और उसने उसे बचा लिया। और इसके साथ ही हम जेनिफर और जोई को भी देखते हैं जो कि शहर के बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उनको ढूंढ कर नरक की सैर कराना चालू कर देती है। सो गाइज, यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्लैशर मूवी थी। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पीस आउट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।